हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज का टॉपिक है मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बताएं इस टॉपिक के बारे में, व्हीट स्टोन ब्रिज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे बैठा है आपका मीटर ब्रिज, और इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियोमीटर का भी स्मेल आता है। इसका मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वीट, आपका करंट का लास्ट पोर्शन, जिसमें दो तीन इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे कम से कम आपको तीन प्रैक्टिकल मिलने वाला है। अब किसी कॉलेज में अगर हम जाके बात करें तो प्रैक्टिकल ढंग से करवाते तो नहीं है, किसी स्कूल वाले में भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो मैं प्रैक्टिकल को, पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल है, चाहे आपको मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल है, पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, और चाहे किसी भी दो सेल के ईएमएफ का कंपेयर करना, और मीटर ब्रिज की मदद से किसी वायर का रेसिस्टेंस निकालना, तो ये सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज बैठा है आपका किरचॉप्स के लूप रूल पर। व्हीट स्टोन ब्रिज बैठा है किरचॉप्स के लूप रूल पे। इसका प्रिंसिपल है किरचॉप्स का लूप रूल। इसका मतलब स्टार्ट होती है लूप रूल से। लूप रूल पे बैठा है WSB, और WSB पे बैठा है मीटर ब्रिज, और कहीं ना कहीं उसमें पोटेंशियोमीटर भी इंक्लूड हो जाता है। तो जरा एक बार मैं किरचॉप्स का लूप रूल आपको रिपीट करके दिखा दूं। वो क्या बोला था मैंने पिछला वीडियो में, आपका आपने देखा था ये। अगर किसी क्लोज सर्किट लिया जाए, किसी क्लोज सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अल्जेब्रिक सम उस लूप में लगे ईएमएफ के अल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। एक बार और मैं फिर से बोल देता हूँ आज, किसी क्लोज सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अल्जेब्रिक सम उस लूप में लगे ईएमएफ के अल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। और आज भी आपको व्हीट स्टोन ब्रिज में कम से कम दो बार लूप रूल अप्लाई करने को मिलेगा। और लास्ट में क्वेश्चन में आज आपको फिर दिखाऊंगा जिसमें हम लूप रूल लगाते हुए नजर आएंगे आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है ये? व्हीट का स्पेलिंग वही है जो स्पेलिंग गेहूं का है, स्टोन का स्पेलिंग वही है जो स्पेलिंग हमारे पत्थर का है, और ब्रिज का स्पेलिंग वही है जो स्पेलिंग हमारे ब्रिज पूल का होता है। लेकिन सर, इस टॉपिक का कोई संबंध हमारे गेहूं पत्थर पूल से नहीं है। यानी इसका मतलब जो साइंटिस्ट इस पे काम किए थे उनका नाम था व्हीट स्टोन, और इनका पिक्चर कहीं ना कहीं एक ब्रिज जैसा था, सो इट इज़ कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन ये है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज चार रेसिस्टेंसों का ऐसा कम्बिनेशन है, ऐसा अरेंजमेंट है कि अगर हमको तीन रेसिस्टेंस मालूम हो तो चौथा रेसिस्टेंस को निकाला जा सकता है। एक बार फिर से बात सुन लीजिए, व्हीट स्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टेंस इन विच इफ थ्री रेसिस्टेंस आर नोन देन वन अननोन रेसिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट। व्हीट स्टोन ब्रिज चार रेसिस्टेंसों का ऐसा कम्बिनेशन है, ऐसा अरेंजमेंट है कि अगर हमको तीन रेसिस्टेंस पता चल जाए तो चौथा को निकाला जा सकता है। ये मैंने लिखा व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टेंस इन विच, जिसमें इफ थ्री रेसिस्टेंस आर नोन, अगर तीन रेसिस्टेंस हमारा नोन है देन वन अननोन रेसिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट। अगर थ्री रेसिस्टेंस आर नोन देन वन अननोन रेसिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट, एक अननोन रेसिस्टेंस को निकाला जा सकता है। चलिए अभी कहाँ पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉप्स लूप रूल। ये किरचॉप्स के लूप रूल पे काम करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉप्स लूप रूल। ये किरचॉप्स के लूप रूल पे आपका काम करता है। अब चलता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के लिए तो पहले आपको पिक्चर देखना होगा। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखा हूँ, आप किसी बुक से एक बार इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ के देखिए। वन ऑफ द मोस्ट ईजी कंस्ट्रक्शन इसकी होती है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर, लेकिन पिक्चर को मैं ड्रॉ किए हुए हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे कि पिक्चर को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर हम इसमें से हर एक चीज़ को मिटा दें तब हम इसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखाएंगे, तब थोड़ा सा समझ में आपको आएगा। करंट का मूवमेंट मैंने कर दिया था। चलिए, तो अब तक तो सीधा सीधा दिखता होगा, ये सबको मिटा दिया मैंने। चल, यहाँ तक सीधा सीधा दिख रहा है। क्या है? इट कंसिस्ट फोर रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। देखिए, यहाँ से चढ़ने जैसा लग रहा है, फिर यहाँ से उतरने जैसा लग रहा है, आपको ओवर ब्रिज का फीलिंग दे रहा होगा कि हम लोग रोड पे आ रहे हैं, फिर एक ब्रिज पे चढ़ गए, फिर उतर गए, फिर रोड पे सीधा हो गए, तो इट लाइक ए ब्रिज। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस। तो कंस्ट्रक्शन मैंने बोला इट कंसिस्ट फोर रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस को बोला पी, इसको बोला क्यू, इसको बोला आर, इसको बोला एस। इट कंसिस्ट फोर रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज के फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद बोला इस पॉइंट को बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोला बी,
इस पॉइंट को बोला सी, इस पॉइंट को बोला डी। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर मैंने लगा के रखा है। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब है ईएमएफ जहां से प्रोड्यूस होता है, जहां से जनरेट होता है, जो सोर्स होता है, बैटरी या सेल हो सकता है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में मैंने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया है, बगल में एक मेरा स्विच है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमारा यही है, कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिखा होगा कि इट कंसिस्ट फोर असिस्टेंस P, Q, R, A एंड S इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, ब्रिज का फॉर्म में है। पी क्यू इज फिक्स रेसिस्टेंस, जिसमें से P और Q जो है ये फिक्स रेसिस्टेंस है। फिक्स रेसिस्टेंस का मतलब है मार्केट से अगर मैंने 50 ओम खरीद लिया तो 50 ओम का मतलब 50 ओम, 100 ओम का मतलब 100 ओम, 100 ओम का 200 ओम का मतलब 200 ओम, इसी हो गई फिक्स रेसिस्टेंस। पी क्यू फिक्स रेसिस्टेंस है। R है वेरिएबल, R है वेरिएबल रेसिस्टेंस, एक्चुअली R के जगह पे होता है रेसिस्टेंस बॉक्स। आप फिजिक्स के लैब में रेसिस्टेंस बॉक्स देखे होंगे, या तो आप इमेज को कहीं देख लीजिए, आप गूगल में लिख दीजिए रेसिस्टेंस बॉक्स, इमेज में जाइए, आपको एक बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा बॉक्स दिखाई देगा जिसमें अलग अलग की लगा रहता है, अलग अलग ओम के आगे की लगा होता है, इंडिकेट होगा वहाँ 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, और सबके बगल में की लगा होता है। जिस की को आप निकाल दोगे उतना ओम अप्लाई हो जाती है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसा कॉस्टली हम लोग खरीदते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली लगभग इतना लंबा, इतना चौड़ा, ठीक है, एक क्यूबाइड के शेप का बॉक्स होता है, चरखुट जैसा होता है, और इसमें अलग अलग की इंडिकेट होता है, और उस की के नीचे उस रेसिस्टेंस का नंबर लिखा होता है। अब जिस की को निकाल देते हो वो उतना ओम अप्लाई हो जाता है। तो आर के जगह पे एक्चुअली लगा होता है रेसिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे होता है रेसिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर रेसिस्टेंस इसका वेरिएबल होता है, जो मेरा मन करेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो आर इज़ वेरिएबल रेसिस्टेंस, और एस इज अननोन, एस मेरा अननोन रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमको निकालना है। ऐसे अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग किसी भी आर्म पे रख सकते थे, चाहे पी के जगह पे, चाहे क्यू के जगह पे, चाहे आर के जगह पे, चाहे एस के जगह पे, यूजुअली इसको रखा जाता है एस के जगह पर। तो पी क्यू आपका फिक्स रेसिस्टेंस है, आर आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस है, एस आपका अननोन रेसिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन आपने देखा, इट कंसिस्ट फोर रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, पी क्यू इज फिक्स रेसिस्टेंस, आर इज वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड एस इज अननोन रेसिस्टेंस, एस इज अननोन। ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी के बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा के रखा है। वर्किंग, आप काम कैसे करते हो, मेन चीज होता है इसका वर्किंग, काम कैसे करते हो। एक बात और ध्यान दीजिए, वीट स्टोन ब्रिज इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज ए प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है। इसका प्रैक्टिकल फॉर्म होता है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज में जो हम इसके बाद जाने वाले हैं, ये वीट स्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो इस पर हम लोग वर्क कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले स्विच ऑन कीजिए आप। स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो करना चालू कर देगा, बैटरी से निकला मेरा आई करंट। अब आई में से मान लेते हैं ऊपर चला गया मेरा आई टू और नीचे आ गया आई वन, आई बट गया दो पार्ट में, आई वन और आई टू, नीचे चला दिया मैंने आई वन, ऊपर चला दिया आई टू, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऊपर आई टू जा रही है, आई टू जा रही है, यहाँ तक तो आई टू आई, आई टू में से नीचे चला गया आई जी, आई टू में से नीचे चला गया आई जी, तो बचा क्या, बचा आई टू आ रही थी उसमें आई जी चली गई, तो इधर बच गई आई टू माइनस आई जी, नीचे आई आई जी, इधर से गई आई वन, अब दोनों ऐड होकर इधर से जाएगी, इधर हो गई आई वन प्लस आई जी। तो इस साइड से जा रही है आई वन प्लस आई जी, उधर से आ रही है आई टू माइनस आई जी, ये दोनों ऐड होगा तो आई जी कटेगा, मिलेगा आई वन प्लस आई टू, और आई वन प्लस आई टू मिलकर बन जाएगा फिर से आई, करंट आपकी आई बाहर आ गई। इतना तो ही गेम था, इतना ही तो मैंने शुरू में लिखा था, फिर मैंने दोबारा कर दिया। तो स्विच आपने ऑन किया, आई करंट आई, आई दो भाग में बट गई, आई वन आई टू, आई टू में से नीचे चला गया आई जी, तो बचा क्या, आई टू माइनस आई जी, नीचे आया आई जी, इधर से आया आई वन, दोनों ऐड होकर चला गया आई वन प्लस आई जी, ऊपर से आ रही आई टू माइनस आई जी, दोनों को मैंने ऐड किया, आई जी कट गई, मिल गए आई वन प्लस आई टू, मिल के बन गई आई। ये है आपका वर्किंग, वर्किंग। लेकिन अब वर्क करते हैं, ये तो आपने करंट का मूवमेंट देखा, जैसे स्विच आप ऑन करोगे, जैसे स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो करना चालू कर देगा, बट करंट का मूवमेंट आंख से तो दिखेगा नहीं, बट गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्शन करके दिखाने लगेगा कि करंट पास कर रही है कि नहीं। तो आई जी जब गैल्वेनोमीटर से गुजर रही है तो गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्शन करके दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट इसे फ्लो हो रही है। अब आपको करना क्या है, अब आपको काम करना है। इस काम में करना क्या है, पी तो फिक्स रेसिस्टेंस है, क्यू तो फिक्स रेसिस्टेंस है, एस का वैल्यू हमको निकालना है। आप R के पास पहुंच जाइए, R के जगह पे एक्चुअली रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। इस रेसिस्टेंस बॉक्स में से आपको एक की कोई ऐसा निकालना है, एक की कोई ऐसा निकालना है जिस ओम पर B और D का पोटेंशियल हो जाए बराबर। फिर से मैं बोलता हूँ,
स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो करना चालू कर दिया। अब जब करंट फ्लो करनी चालू कर दी तो आईजी डिफ्लेक्शन करके दिखाने लगेगा, सॉरी आईजी जब फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करके दिखाने लगेगा। अब हमको करना क्या है, इस आर के जगह पे जो रेसिस्टेंस बॉक्स है उस रेसिस्टेंस बॉक्स से एक की हमको ऐसा निकालना है जिस ओम पर बी और डी का पोटेंशियल हो जाए इक्वल। जहां पे बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा मतलब वहां उस स्टेज पर आईजी हो जाएगी जीरो और इस लाइन से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ WSB वीटस्टोन ब्रिज का, ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। तो ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे पास रेसिस्टेंस बॉक्स में तो बहुत सारी की होती है, कौन सा चाबी निकाल दें कि जहां पर BD का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा IG जीरो हो जाएगी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा और वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगी, ये तो किसी को पता नहीं होता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक एक ओम निकालना होगा और गैल्वेनोमीटर का निडल पे नज़र डालना होगा। पहले शुरू वाला ओम निकाले, नज़र डाले, डिफ्लेक्शन बंद नहीं हुई, फिर बंद किया, फिर दूसरा निकाला, फिर बंद किया, फिर तीसरा निकाला, फिर बंद किया, फिर चौथा निकाला, बंद किया, पांचवा निकाला, बंद किया। इस टाइप से मैं एक एक करके हर एक चाबी को निकालूंगा, कोई ना कोई ऐसा चाबी है, कोई ना कोई ऐसा की वहाँ है, कोई ना कोई ऐसा रेसिस्टेंस है जिस स्टेज पर, जिस ओम पर, जिस रेसिस्टेंस पर BD की पोटेंशियल हो जाएगी इक्वल। अब पोटेंशियल अगर इक्वल हुआ तो इस लाइन से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, IG जीरो होगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और इट इज़ कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ WSB। चलिए मान लिया आपको पता ही चल गया कि किस पर्टिकुलर ओम पे आ गए, तो अगर आपको पता चल जाएगा तो R भी तो फिक्स हो गया ना, R तो आप फिक्स आप किए अपने हाथ से किए, तो P तो पहले से फिक्स है, Q पहले से फिक्स है, R अब आप ही को पता है, आपके अगल बगल वाले फ्रेंड को नहीं पता, ये हमको पता है कि किस ओम पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद किया, तो अब ये भी मुझको पता चल गया, अभी तीनों पता चल गया तो हम S को निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको लगाना होगा किरचॉफ्स का लूप रूल, ये मैंने लिखा था वर्किंग में, क्लोज की के द करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इच आर्म, हर एक आर्म से करंट फ्लो करना चालू कर दिया, कहीं I1 कहीं I2 कहीं I2 प्लस IG ये सब फ्लो करना चालू कर देगा। एंड एडजस्ट रेसिस्टेंस बॉक्स आर इन सच ए वे, रेसिस्टेंस बॉक्स आर को हमको एडजस्ट करना है इन सच ए वे दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ऐसा एडजस्ट हम लोग करें कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे, मतलब बिकॉज पॉइंट बी एंड डी बिकम एट इक्वल पोटेंशियल, वो इक्वल पोटेंशियल पे पॉइंट हमारा बी और डी आ जाएगा। जैसे ही बैलेंस कंडीशन आ गई, IG जीरो हो गई, बैलेंस कंडीशन आ गई, तब हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स लूप रूल हमारे दो लूप में। पहला लूप में उठाता हूँ इन क्लोज लूप ABDA। एक बार और, अगर आप क्लॉक का डायरेक्शन ले लेते हैं तो आप बीच में बदल नहीं सकते हो, डायरेक्शन आपको क्लॉक ही रखना होगा दोनों लूप में। इन क्लोज लूप ABDA। आप थोड़ा सा लूप को आप अच्छे से लगाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि लूप रूल में कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लूप नहीं लगा पा रहे हो। अरे करना क्या है, आप ABDA लिए हो, क्या करंट ऊपर गई I2, तो आपको करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, I2P प्लस। देखिए मूड तो हमेशा मेरा प्लस करने का ही करता है, बशर्ते कोई सामने से करंट आके हमको ना ठोके, तो मैं चलता हूँ I2P प्लस। आज जब नीचे से उतरा तो करंट हो गई IG के साथ जी, क्योंकि जी भी एक रेसिस्टेंस का काम करता है, तो I2P प्लस, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में ही है, हम भी नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे ही आ रही है, तो मैंने प्लस यूज किया I2P प्लस IGG। लेकिन इसके बाद अगर हम इधर मुड़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए, हम तो मुड़े इधर लेकिन करंट सामने से आ रहा है, मेरे को ठोक रहा है वो, अब मैं नेगेटिव यूज करने वाला हूँ, माइनस आई वन आर इज इक्वल टू, इस लूप में कोई EMF नहीं है तो इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो I2P प्लस IGG माइनस, उल्टा हुआ था, -I1R इज इक्वल टू जीरो। एक बार और बैक करके दो मिनट में देख लो। लेकिन अगर हम बैलेंस कंडीशन पे जाते हैं तो बैलेंस कंडीशन IG तो जीरो होती है, बैलेंस कंडीशन पे IG अगर हमारी जीरो होगी तो यहाँ पर मैं जीरो करूँगा तो बचेगा I2P माइनस I1R इज इक्वल टू जीरो, -I1R को मैंने इक्वल को उधर किया है तो हो गई I2P इज इक्वल टू I1R, इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं लूप टॉप लगा लिए, अब आपको देखना है सेकेंड लूप हम लगाते हैं इन क्लोज लूप BCDB, डायरेक्शन वही होगा, क्लॉक में ले रहा हूँ तो क्लॉक ही में ले रहा हूँ, इन लूप BCDB, इस लूप में मैं जाता हूँ तो करंट हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, करंट हमारे यहाँ हो रही है I2 माइनस IG के साथ क्यू, तो I2 माइनस IG इंटू क्यू। फिर मैं नीचे आया तो फिर से हमको ठोक रहा है, देखिए मेरा डायरेक्शन हो रहा है उल्टा,
अपोजिट डायरेक्शन हम जा रहे हैं, तो आई वन प्लस आई जी इंटू एस, क्योंकि करंट जा रही थी ऐसे, मैं आ रहा हूँ बैक से, आई टू माइनस आई जी क्यू, अब माइनस आई वन प्लस आई जी एस, अब फिर मैं ऊपर गया, करंट हमारे नीचे से आ रहे, फिर से होगा माइनस आई जी जी, आई टू माइनस आई जी क्यू माइनस आई वन प्लस आई जी एस और माइनस आई जी जी इज इक्वल टू जीरो। अरे करंट ऐसे आई तो हम भी ऐसे हैं, तो ये तो प्लस में आई, बट करंट जा रही ऐसे, मैं आ रहा हूँ बैक से, क्योंकि मैंने लिया है बी सी डी बी, तो हमको ठोक रहा था, माइनस लिया, फिर मैं ऊपर चढ़ा, फिर मेरे को ठोक रहा है, फिर हमको ठोक रहा है, और फिर अगर हमको ठोक रहा है तो मैं ले रहा हूँ फिर से नेगेटिव, तो अगर मेरे साथ होगा तब तो पॉजिटिव, अगर हमको ठोकने का कोशिश करेगा तब नेगेटिव, तो आई टू माइनस आई जी क्यू मेरे साथ था माइनस आई वन प्लस आई जी एस हमको ठोक रहा था, माइनस में लिया और फिर ऊपर गया, फिर मेरे को ठोक दिया, आई टू आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, इस लूप में भी कोई ईएमएफ नहीं है तो इज इक्वल टू जीरो। फिर मैं गया एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पे आई जी हमारी जीरो हो रही है, अब इसमें अगर हम आई जी को जीरो करते हैं, आई जी को जीरो करते हैं, आई जी को जीरो करते हैं, तो क्या बचा, आई टू क्यू बचा और माइनस आई वन एस बचा इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस आई वन एस को मैंने इज इक्वल टू को उधर कर दिया, तो आई टू क्यू इज इक्वल टू आई वन एस, इक्वेशन नंबर टू। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गई, अब हमको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू, तो आई टू पी इज इक्वल टू आई वन आर, इक्वेशन वन से लाया मैं, और आई टू क्यू इज इक्वल टू आई वन एस, इक्वेशन टू से लाया मैंने, दोनों को डिवाइड किया, आई टू से आई टू कट गई, आई वन से आई वन कट गई, क्या मिला, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर कोई वीट स्टोन ब्रिज का नाम लेता है तो एक ही वर्ड आता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये हो गया पूरा समरी, जो आप 10 मिनट या 15 मिनट से देख रहे हो उसका समरी यही है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये समरी है वीट स्टोन ब्रिज का, एक्सप्रेशन है वीट स्टोन ब्रिज का, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब सोचो पी तो फिक्स था हाँ, क्यू तो फिक्स था हाँ, आर को फिक्स कौन किया, आप किया, तुम्हारा हाथ किया, आपने चाबी निकाला था, आपने उस चाबी पे किलोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन शो किया था, यानी कि आर अब तुमको पता है, तो पी पता, क्यू पता, आर पता, तो एस तो निकाला जा सकता है, तो एस इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी, क्यू आर बाई पी, क्यू का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू पुट करो, पी का वैल्यू पुट करो, अब पी वही पुट कर, आर वही पुट करना जिस चाबी पे किलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो किया था, और जबकि पी क्यू तो फिक्स है, एस निकाला जा सकता है। ये था आपका वीट स्टोन ब्रिज। समरी पे बात करूं, वीट स्टोन ब्रिज चार रेसिस्टेंस का एक ऐसा संगम है, कॉम्बिनेशन है, कि अगर तीन मालूम हो तो चौथा निकाला जा सकता है। ये किरचॉफ्स के लूप रूल के प्रिंसिपल पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन में था, चार रेसिस्टेंस है, पी क्यू आर एस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, पी क्यू फिक्स है, आर वेरिएबल है, एस अननोन है, अब वेरिएबल की जगह पर एक्चुअली रेसिस्टेंस बॉक्स है, बी डी के बीच में किलोमीटर लगा दिया है, ए सी के बीच में एक ई एम एफ का सोर्स लगा दिया है, गेम करते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स से, स्विच ऑन किया, करंट सब फ्लो करना चालू कर दिया, अब आर से एक ऐसा चाबी हम एडजस्ट किए हैं जिस चाबी पर, जिस ओम पर किलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करना चालू किया था, जब किलोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, आईजी हमारी जीरो है, क्योंकि उस स्टेज पे बीडी का पोटेंशियल हो गया था बराबर। अब हम क्या किए, दोनों में जाके पर्सनली लगा दिए लूप रूल, और लूप रूल लगाने के बाद बैलेंस कंडीशन पे आईजी को जीरो करके दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आ गए। इट वॉज वीट स्टोन ब्रिज। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलते हैं इसका प्रैक्टिकल फॉर्म मीटर ब्रिज। ये तो थ्योरी है बट इसका प्रैक्टिकल फॉर्म लाइव, दैट इज अ प्रैक्टिकल, बी अलर्ट, मैं आ रहा हूँ, मीटर ब्रिज, या तो उसको कुछ है और भी नाम है, स्लाइड वायर ब्रिज, बट 90% आदमी उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। वो एक प्रैक्टिकल है, एक टॉपिक है, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो मैं एक प्रैक्टिकल का फीलिंग आपको दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ, मीटर ब्रिज, थैंक यू।